जय भारत। मेरा नाम संतोष गांधी है, मैं एमपी मध्य प्रदेश से आया हूँ। मैं इसलिए मध्य प्रदेश से आया हूँ कि जिस प्रकार से मोदी सरकार ने किसानों के आंदोलन को तोड़ने के लिए षड्यंत्र रचा है, अब मैं बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने कैसा षड्यंत्र रचा है। किसान भाइयों के साथ धोखा किया है मोदी सरकार ने। क्या किया? जो दिल्ली का लाल किला भारत देश में प्रसिद्ध है, मैं पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से कि जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां किसान कैसे घुस गया? तो ये किसान नहीं घुसा है मोदी जी, ये बीजेपी के लोगों ने घुस करके हमारे किसान भाइयों का आंदोलन पे आरोप लगा करके किसान आंदोलन को तोड़ने की षड्यंत्र रची थी। मैं कहता हूं संतोष गांधी जी कि मोदी जी दिल्ली में परंदा पर नहीं मार सकता है, तो भाई 29 तारीख को बुलेट बम फरवा के आपने न्यूज में बता दिया कि बम ब्लास्ट हो गया है, तो मोदी जी आप ही बताइए। हमें तो आपकी राजनीति समझ में नहीं आई, जहां परिंदा पर नहीं मारता वहां बम फोड़ रहे हो आप। ये खाली इसलिए कर रहे हैं कि किसान आंदोलन को किसी प्रकार से नष्ट किया जाए। और मैं बता देता हूं मोदी जी की चाल, जो मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगाएगा वो भारत का देशभक्त कहलाएगा, जो मोदी के मुर्दाबाद के नारे लगाएगा वो आतंकवादी देशद्रोही कहलाएगा। आखिर क्यों मोदी जी? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि रात के 12 बजे आपने नोटबंदी कर दी, आपने जीएसटी लागू कर दी, आप ही के बनाए किसान कानून 3 कानून है, उनको आप वापस क्यों नहीं ले रहे हो? आप कोरोना जैसे कालीन में जाते हो, मंच पे भाषण देते हो, जनता का अभिनंदन करते हो, तो यहाँ किसान आंदोलन में आप आइए, इन किसान भाइयों का भी अभिनंदन कीजिए। अभी आप क्यों नहीं आ रहे हो? क्योंकि अभी चुनाव नहीं है, चुनाव होते तो ये आपके माई बाप बन जाते। मेरे भाइयों बहनों, मेरे देश की जनता, आप यही कहते ना, अभी ये भाइयों बहनों नहीं है, अभी ये भाइयों बहनों नहीं है, अभी ये देश की जनता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसान है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से कि आपने सिंधु बॉर्डर पे सरिया लगा के दीवार उठा दी। अरे बा मोदी भाई बा, आप कहते थे कि हम देश नहीं झुकने देंगे, हम देश नहीं मिटने देंगे। अरे मोदी, आप दिल्ली का लाल किला नहीं बचा पाए, आप देश की बात क्या करते हो? और मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, किसान किसान भाइयों को भगत मत बनाओ, ना भूकंप आ जाएगा। जिसको भूकंप कहते हैं मोदी, आप भूकंप देखोगे। अगर किसान भाई भगत बन गया तो इस देश में भूकंप आएगा और जो आप नहीं संभाल पाओगे। इसी विराम को लेकर मैं अपनी बात रखता हूं। जय हिंद, जय भारत।